फ्रेंड्स, दिवाली पे हम जो लक्ष्मी गणेश की मूर्ति मार्केट से ख़रीद कर लाते हैं, आज मैं उसी मूर्ति को घर पे मिट्टी से बहुत ही इजी प्रोसेस में बनाना सिखाऊंगा। सो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का वीडियो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूर्ति बनाने के लिए सबसे पहले मैंने मिट्टी से ये पतला पतला दो स्लैब बना लिया है, कुछ इस प्रकार से चौकोर शेप में, और एक पे लक्ष्मी जी का और दूसरे पे गणेश भगवान का मूर्ति बनाएंगे। ऊपर से हमने क्लीन कर लिया है पानी लगाकर ब्रश में, और अब हम देखिए कमल का फूल बनाएंगे। तो कमल का फूल बनाने से पहले उसका एक बेस बना लेंगे कुछ इस प्रकार से, देखिए, और बीच के हिस्से को हमने वायर टूल से कट कर दिया है। अगर आपके पास ये वायर टूल्स ना हो तो इसका वीडियो मैंने अलग से बनाया है टूल्स का, जिसमें मैंने ये वायर टूल्स बनाने के बारे में बताया है, बहुत ही ईजी है, आप वो वीडियो देख लेना, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। फ्रेंड्स, आप ध्यान से देखिए हमने इस शेप को कैसे बनाया है, और इसी टाइप से हमने दो पीस बना लिया है, एक लक्ष्मी जी के लिए और दूसरा गणेश जी के लिए। अब इन दोनों को हम जो हमने चौकोर शेप में दो स्लैब बनाया था उसके सेंटर में इन दोनों को चिपका देंगे कुछ इस प्रकार से। चिपकाने के बाद नीचे के साइड से अच्छे से दोनों को ज्वाइंट कर देंगे कुछ इस प्रकार से, और इसे क्लीन कर देंगे ब्रश में पानी लाकर, या उंगली से भी आप क्लीन कर सकते हो। देखिए हमने दोनों को क्लीन कर दिया है, अब हम इसको कमल का फूल का प्रारूप देंगे। तो सबसे पहले हम छोटा छोटा पंखुड़िया बना लेंगे कमल के फूल का, तो बहुत ही ईजी, आप देख सकते हो इसी टाइप से हमने छोटा छोटा बहुत सारा पंखुड़िया पहले से बना लिया था, और इसको चिपकाना है नीचे से। पहले चारों तरफ से चिपका लेंगे, और सेम इसी टाइप से ऊपर के साइड से भी चिपका लेंगे। हमने आधे भाग में चिपकाकर आपको दिखाया है, देखिए नीचे की साइड चिपका लिया, और सेम उसी टाइप से ऊपर के साइड भी हम चिपका लेंगे। सभी पंखुड़ी को चिपकाने के बाद टूल्स लेंगे, और टूल्स की हेल्प से सभी पंखुड़ी पे देखिए इस टाइप से लकीर खींचना है। अगर आपके पास ये वाला टूल्स ना हो तो आप यहाँ पे सुई का भी यूज कर सकते हो, बहुत ईजी है, देखिए इस टाइप से लकीर खींचकर और ब्रश में पानी लगाकर इसको क्लीन कर देना है। हमने आधे भाग में पंखुड़िया लगाया है, सेम इसी टाइप से पीछे के साइड भी लगा देंगे, और ये हमने कमल का फूल बना लिया है, और सेम इसी टाइप से दूसरे वाले कमल का फूल भी हमने पहले से बना लिया था, देखिए एक पे लक्ष्मी जी और दूसरे पे गणेश जी को बनाएंगे। तो चलिए अब हम मूर्ति को बनाना शुरू करते हैं। तो बीच में हम पहले लक्ष्मी जी को बनाएंगे, तो यहाँ पे हमने पहले भिगा दिया है, और यहाँ पे हम लक्ष्मी जी के बॉडी को देखिए यहाँ पे चिपका दिया है। इसके बाद हम गणेश जी के बॉडी को चिपकाएंगे, तो सबसे पहले हमने थोड़ा सा मिट्टी यहाँ पे लगा दिया है, और इसी के ऊपर गेंद जैसा एक गोल से बनाकर इसको चिपका दिए, ये गणेश जी का पेट हुआ। और इसके बाद इसके ऊपर अब हम इनके चेस्ट को बनाएंगे, तो आप ध्यान से देखिए हमने इनके चेस्ट का डिटेलिंग कैसे किया है। फ्रेंड्स, अगर आपको भी जानना हो कि मैं मूर्तियाँ बनाने के लिए मिट्टी कैसे तैयार करता हूँ, तो इसका वीडियो मैंने अलग से बनाया है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हो। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने दोनों मूर्ति का मोटा मोटी एक बेसिक स्ट्रक्चर बना लिया है, बाद में बॉडी का डिटेलिंग करेंगे। अभी हमने कहाँ पे मिट्टी ऐड किया है और कहाँ से एक्स्ट्रा मिट्टी को निकाला है, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। मेरे बातों से ज़्यादा आप मेरे हाथों पे ध्यान दो, तभी आपको समझ में आएगा। और आप लोग वीडियो स्किप करके देखते हो जिस कारण आपको समझ में नहीं आता है, और बाद में आप लोग कमेंट करके पूछते हो, सो आप लोग वीडियो को स्किप मत करना, पूरा देखना, तभी आपको समझ में आने वाला है। देखिए हमने गणेश जी के बॉडी का बेसिक स्ट्रक्चर बना लिया है, बाद में इसको क्लीनिंग करेंगे, और अब हम लक्ष्मी जी के बॉडी का भी डिटेलिंग कर लेंगे, और लास्ट में इन सबको पानी से अच्छे से क्लीन कर देंगे। और अब हम इनके पैरों को बनाएंगे, तो पैर को बनाना बहुत ईजी है, बस मिट्टी को भी शेप में हमने मोड़ दिया है पतला क्वाइल बनाकर, और इसी टाइप से जैसे हमने गणेश जी का पैर बनाया है, सेम इसी टाइप से लक्ष्मी जी के पैर को भी बना लेंगे, एक मिट्टी का पतला क्वाइल बना लेंगे और उसी को भी शेप में मोड़ कर यहाँ पे चिपका देना है। इसके बाद देखिए टूल्स की हेल्प से मिट्टी को बॉडी से चिपकाएंगे, नहीं तो यह बाद में निकल भी सकता है, तो अच्छे से चिपका ले पीछे से भी मिट्टी लाकर, तभी यह मजबूत हो पाएगा। और देखिए धोती का फूल बनाने के लिए मैं टूल से देखिए इस टाइप से लकीर खींचा है धोती पे। अब हम लक्ष्मी जी के पैरों को भी बना लेंगे, तो सेम उसी प्रोसेस को फॉलो करना है जैसे मैंने गणेश जी के पैरों को बनाए थे, सेम उसी टाइप से मिट्टी के क्वाइल को हमने वी शेप में मोड़कर और यहाँ पे चिपका दिया है बॉडी से, देखिए इस टाइप से। अब ध्यान से देखिए हमने कैसे किया है, और यहाँ पे भी साड़ी का फूल बनाने के लिए टूल्स का यूज किया है।
फ्रेंड्स हमने लक्ष्मी जी और गणेश जी के बॉडी को बना लिया है, अब हम इनके हाथों को बनाएंगे। तो देखिए पतले क्वाइल की हेल्प से हमने इनके हाथों को बनाया है। हमने एक मूर्ति के लिए 4 हाथ बनाए हैं, दोनों मूर्ति के लिए 8 हाथ बनाना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने एक हाथ बनाकर आपको दिखाया है, सेम इसी टाइप से बाकी का हाथ आप बना लेना। फ्रेंड्स हमने हाथ को बना लिया है और मिट्टी के पतले क्वाइल की हेल्प से दोनों हाथ में हमने कंगन बना दिया है। और अब हम इन दोनों हाथों को बॉडी से चिपकाएंगे, तो पीछे से हमने हल्का सा मिट्टी लगा लिया है, तभी यह अच्छे से ज्वाइंट हो पाएगा बॉडी से। देखिए इस टाइप से, नहीं तो यह टूट भी सकता है। और अब हम ऊपर से साड़ी का फोल्ड बना लेंगे कुछ इस प्रकार से। फ्रेंड्स टूल्स की हेल्प से साड़ी का फोल्ड बनाने के बाद ब्रश में पानी लाकर इसे अच्छे से क्लीन कर देंगे। अब हम मूर्ति के पीछे के दो हाथ को बनाएंगे, तो आप ध्यान से देखें हमने पीछे वाले दोनों हाथ को कैसे बनाए हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने एक हाथ बनाकर आपको दिखाया है, सेम इसी टाइप से आप दो हाथ बना लेना। और इसको अब हम पीछे से ज्वाइंट कर देंगे। यहाँ पे मैंने पहले से दो लकड़ी लगा दिया था पीछे के साइड से, उसी में हाथ को लगा देंगे और पीछे के साइड से हल्का मिट्टी लाकर अच्छे से हाथ को ज्वाइंट कर देंगे बॉडी से और इसे क्लीन कर देंगे। मूर्ति का जो फेस है उसे मैंने इस फ्रेम से बनाया है। अगर आपको जानना हो कि ये फ्रेम मैंने कैसे बनाया है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वो वीडियो देख लेना। चलिए इस फेस को यहाँ पे लगाते हैं। तो मैंने पतले क्वाइल की हेल्प से पहले इसका गर्दन बना दिया है मूर्ति का और उसी में इस फेस को चिपका दिया है। पीछे के साइड से भी मिट्टी लगाकर अच्छे से फेस को ज्वाइंट कर देंगे और इसे क्लीन कर देंगे। अब हम मूर्ति के बाल को बना लेंगे, तो यहाँ पे भी हमने मिट्टी के क्वाइल को दोनों साइड से लगा दिया है और अच्छे से ज्वाइन करने के बाद टूल्स की हेल्प से इस पे लकीर खींचा है। फ्रेंड्स हमने मूर्ति के बाल का डिटेलिंग कर लिया है और पीछे से भी हमने पहले से बाल बना लिया था और इसे क्लीन कर दिया है ब्रश में पानी लगाकर। अब हम इनके ज्वेलरी को बनाएंगे नेकलेस। तो यहाँ पे मैंने पहले पानी से भिगा दिया है और इसके ऊपर मिट्टी के पतले क्वाइल को चिपकाया है। इसके बाद इस पे हम सुई और पेन की रिफिल से डिटेलिंग करेंगे। तो आप ध्यान से देखिए हमने ज्वेलरी को कैसे बनाया है। फ्रेंड्स हमने मूर्ति के नेकलेस को बना लिया है और सेम इसी टाइप से कमर में कमरबंद भी बना लिया था पहले से। अब हम इनके मुकुट का डिटेलिंग करेंगे। तो आप ध्यान से देखिए हमने मुकुट का डिटेलिंग कैसे किया है। यहाँ पे मैंने सुई का यूज किया है और पेन की रिफिल का यूज किया है, बहुत ईजी है, बस आप ध्यान से देखते जाइए। मुकुट का डिटेलिंग करने के बाद मुकुट के पीछे का पार्ट हमने पहले से बनाया था, इसे मैंने पीछे से चिपका दिया है। इसी के साथ लक्ष्मी जी का मूर्ति बन चुका है। अब हम गणेश जी के मूर्ति को बनाएंगे। तो बॉडी मैंने पहले से बना लिया था गणेश जी का, अब हम बॉडी से हाथों को ज्वाइंट करेंगे और इसके बाद इनके सॉल को बना लेंगे। फ्रेंड्स हमने गणेश जी के मूर्ति में दो हाथ पहले से चिपका दिया था, अब पीछे के दोनों हाथों को भी हम मूर्ति में लगा देंगे जैसे हमने लक्ष्मी जी के मूर्ति में लगाया था। सेम उसी टाइप से लकड़ी लगाकर हमने इसे चिपकाया है और साइड साइड से देखिए इनके सॉल को बना लिया है और इस पर टूल्स की हेल्प से हमने इसका फोल्ड बना लिया है। फोल्ड बनाने के बाद इसे हम क्लीन कर लेंगे ब्रश में पानी लगाकर। और अब हम सबसे लास्ट में इनके फेस को बनाएंगे। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिए मैंने फेस को कैसे बनाया है। मैं मिलता हूँ वीडियो के लास्ट में। फ्रेंड्स इस मूर्ति को बनाने के लिए बहुत सारा कमेंट आ रहा था, तो आप ही लोग के रिक्वेस्ट पे मैंने ये मूर्ति बनाया है। और आप लोग चैनल पे बने रहिएगा क्योंकि नेक्स्ट पार्ट में मैं इस मूर्ति को कलर करके दिखाऊंगा और बहुत ही जल्द मैं आपको बेंगोली स्टाइल में माँ काली का मूर्ति भी बनाना सिखाऊंगा। उसका भी वीडियो बहुत ही जल्द आने वाला है क्योंकि आप लोगों का बहुत सारा रिक्वेस्ट आ रहा है उस मूर्ति के लिए। सो आप लोग चैनल पर बने रहिएगा।
फ्रेंड्स, गणेश जी के फेस के बारे में आपको डिटेल में वीडियो चाहिए तो मैंने बहुत सारा इस चैनल पे गणेश जी का मूर्ति बनाया है और उस वीडियो में मैंने डिटेल में बताया है इनके फेस के बारे में, तो आप लोग वो वीडियो देखकर आसानी से गणेश जी के फेस को बना सकते हो। फ्रेंड्स, हमने गणेश जी के फेस का डिटेलिंग कर लिया है, अब हम इनके मुकुट का डिटेलिंग करेंगे। तो आप ध्यान से देखिए, और यहाँ पे मैंने इनके नेकलेस को बनाकर नहीं दिखाया है, सेम उसी टाइप से बनाना है जैसे मैंने लक्ष्मी जी के नेकलेस को बनाया था, तो उसी टाइप से हमने गणेश जी के नेकलेस को बना दिया है। फ्रेंड्स, गणेश जी का मुकुट बनने के साथ ही गणेश जी का मूर्ति भी बनकर रेडी है। अब हम लक्ष्मी जी के हाथों में के लिए छोटा छोटा दो कमल का फूल बनाएंगे। यहाँ पे मैंने लोहे का पतला वायर लिया है आल्पिन, और उसी में देखिए मिट्टी को लगाकर ये छोटा सा कमल का फूल बना है, और इसी टाइप से हम दो पीस फूल बना लेंगे और इन दोनों फूल को लक्ष्मी जी के दोनों हाथों में हम फेविकोल की हेल्प से चिपका देंगे। देखिए कुछ इस प्रकार से। गणेश जी के पीछे के दोनों हाथों के लिए भी हमने मिट्टी से छोटा छोटा दो शस्त्र बना दिया था, उसे भी हम फेविकोल की हेल्प से दोनों हाथों में चिपका देंगे। आगे के एक हाथ में हम छोटा सा लड्डू बनाकर चिपका देंगे। और अब हम सबसे लास्ट में लक्ष्मी जी का वाहन उल्लू और गणेश जी का वाहन मूसक राज को बनाएंगे। तो आप ध्यान से देखिए हमने उल्लू और मूसक को कैसे बनाया है मिट्टी से। फ्रेंड्स, हमने मिट्टी से छोटा सा उल्लू और मूसक राज दोनों का मूर्ति बना लिया है। अब हम दोनों मूर्ति के बगल में इन दोनों को रख देंगे और इसी के साथ यह मूर्ति बनकर रेडी है। देखिए इसका फाइनल लुक। फ्रेंड्स, आपको आज का यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और आप भी ऐसा मूर्ति बनाते हो तो उसका पिक आप इंस्टा पे शेयर कर सकते हो। इंस्टा का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और नेक्स्ट पार्ट में हम इस मूर्ति को कलर करना सीखेंगे, तो आप लोग चैनल पे बने रहिएगा। जल्दी मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।